गवन सुमसी के बाबरकत नाम में मेरी तरफ़ से तमाम सामेन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम आपकी खदमत में हाजिर हूँ सदीक मुकाशफा की तफसर के साथ बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चन एसकटालोजी आख़रत के ज़ुमरे में आता है जिसमें हम आखिरी ज़माने के तल्ल से सीखते हैं बताता चलूँ किताबें मुकदस के अंदर बहुत सारे अबवाब आयात अल्फाश और कुछ कुत्बी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं लेकिन फिल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के तलुक़ से सीख सकें आपको याद होगा कि हमने खुदा उनके मुकदस क़लाम में से अब तक मुकाशफा की किताब उसका तीसरा बाब उसकी सतरवीं आयत मुकदसा तक बड़ी तफसील के साथ सीखा है और खसूस उन ज़मीनी हक़ाइक़ को हम देख रहे हैं जिनमें वो सात कलिसें शामिल हैं जो एशिया कुचिक जो आज तुर्की है किसी ज़माने में इस जगह पर मौजूद थी उलमा के मुताबिक कलिसें बहुत ज़्यादा थीं ताहम सात कलिसियों को नुमाइंदगी दी गई है जब हम मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब देखते हैं तो इस जगह पर मे सोने के साथ चरागदान और सोने के साथ चरागदानों में एक आदमजात सा फिरता हुआ नज़र आता है और वो सोने के साथ चरागदान सात कलशियाँ हैं और जो आदमजाद सा है वो खुदा यीशु मसीह है जो हर कलसिया का बाकायदा जायज़ा लेता है अगरच कलसिया ये बातें नहीं जानती कि उन्हें देखा जा रहा है उन्हें ऑब्ज़र्व किया जा रहा है उनका जायज़ा लिया जा रहा है तहम वो जो दिलों और गुर्दों को जांचता है वो कलशियाओं के बारे में बखूबी जानता है कौन सी कलसिया किस सूरत हाल से गुज़र रही है और जब हम इन सात कलशियों का बाकायदा तौर पर मुताला करते हैं और जांच पड़ताल करते हैं एनालिसिस करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इन सात कलशियाओं में से दो कलशियाएँ ऐसी हैं जिसमें सुमरना की कलसिया और फेलदलफिया की कलसिया जिससे ये सुमसी को कोई शिकवा या शिकायत नहीं है बाकी पांच ऐसी कलसियाँ हैं जो मसीह सरगर्मियों में पेश पेश हैं ताहम, बहुत सारी ऐसी बातें तालीमात या किरदार ऐसे हैं जो खुदा यसु मसीह के मुनाफी हैं और यसु मसीह उन्हें तोबा करने और ठीक तरह से चलने के लिए सलाह देते हैं और तबाह करके वो पहले की तरह काम करें और आ, हम जब इनका मुताल करते हैं तो मालूम होता है कि उनमें से जो अक्सरियत है वो अपनी उन तलीमत से बात नहीं आती और किरदार के तलुक़ से भी ऐसा ही है और आज मालूम होता है कि वो कलशें जिन्होंने यसुम मसीह की तालीम को ना जाना वो सफास्ती से मिट गई और हमें यहाँ से एक बड़ा सबक मिलता है कि जो खुदा में यसुम के कलाम को ठुकरा देते हैं मिलाकर वो ख़त्म हो जाते हैं तो खुदा के मुकदस कला में से आज फिर हम सातवीं कलशिया यानी लोदेकिया के कलशिया के तालुक से सीखेंगे मैं आपके लिए खुदा के मुकदस कला में से मुकशा की किताब उसका तीसरा बाब और इसकी अठारहवीं आयत मुकदसा पढूंगा। इस जगह पर यूँ लिखा हुआ है इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ख़रीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए और सफ़ेद पुशाक ले ताकि तू उससे पहन कर नंगेपन के ज़ाहर होने की शर्मिंदगी ना उठाए और आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए खुदा के मुकदस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस ठहरे आइए दुआ मांगे हक ताला मैं अपने आप को तेरे कवि और कादर हाथों में देता हूँ कोई इंसान अपनी लियाकत से या अपनी तालीम से या अपनी जहनीत से या अपनी हिकमत से तेरे कलाम को बयान नहीं कर सकता जब तक तेरा आ, कलाम ए खुद खुदा आ, उसकी रहनुमाई नहीं करता और जब तक रहुलकदस किसी पर तेरे कलाम को मनकश नहीं करता मैं दुआ करता हूँ अपने लिए और फिर तमाम देखने वालों को सुनने वालों को तेरे कवि और कादर हाथों में देता हूँ यह नाम में अः बाप मिन्नत करता हूँ इस वक़्त जो तेरा कलाम सुन रहे हैं देख रहे हैं अगर इनमें कोई बीमार है या कमज़ोर है तो यीशु के कदूस नाम के सबब से शिफा पा जाए ताकि आज़ादाना वो तेरा कलाम सुने और बरकत पाए मसीह खुदाम के वसीले से आमिन तो नादरिन लुदिकिया के कलीसिया के तालुक से हम सीख रहे हैं और मैं बताता चलूँ कि ये एक अमीर कबीर कलीसिया थी अगरचे इनके अंदर कोई ऐसी तालीम नहीं जो मसीह के मुनाफी हो तहम इनका मसला इनका इनकी जातियात है और इनके जो मसाइल हैं वो मादा प्रस्ती है दुनियादारी है और दुनवी खुशहाली है जो उनकी रूहानी जिंदगी में एक बहुत बड़ी दीवार जो है वो खड़ी कर देते हैं और आ, हमने बड़ी तफसील के साथ जो है अब तक इस कलिस के तल्ल से सीखा है, है। मुकाशफा की किताब तीसरे बाब के सत्रहवीं आयत मुकदसा में हम पढ़ते हैं कि ये कलिसिया ये दावा करती है कि ये दौलतमंद हो चुकी है और ये किसी चीज़ की मोहताज नहीं है अठारहवीं आयत मुकदस्सा में हम देखते हैं कि प्यारे खुदा मसीह उन्हें बताते हैं कि दुनवी मालोमता या दन दौलत जो आसमानी और रूहानी चीज़ें हैं उनके मुकाबले में कैसी हिच और बेफायदा हैं और खुदा में युमसी मादी चीज़ों के मुकाबले में उन्हें रूहानी चीज़ों की ऑफ़र करते हैं तो हमने अब तक बड़ी तफसील से सीखा कि यस्ु मसीह उन्हें सलाह देते हैं कि मुझसे सोना ले ले और हमने सीखा सोने सम्राज यहाँ पर वो खालस ईमान है जो ईमानदारों रास्तबाजों को रुकदस की आ, मार्फत मिलता है और यही वो ईमान है जिसकी बदौलत रास्तबाज खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं फिर हमने आ, हम, हमने सीखा खुदा के मुकदस कला में से कि इनको एक पोशाक ऑफ़र की जाती है जो कि सफ़ेद है और इससे पहले पैगाम में मैंने तफसील के साथ बताया और कला में मुकदस में से मुकाशफा की किताब ही में से आपको कुछ हवाले मैंने दिए जिसमें लिखा हुआ है मुकाशफा सातवें बाब की गलब नवी आयत मुकदसा में हम देखते हैं कि हाना देखता है कि आसमां पर एक बड़ी भीड़ है और वो सफ़ेद जामे पहने हुए हैं फिर हम मुकाशफा की किताब के उन्नीसवें बाब में देखते हैं फिर एक बहुत बड़ी भीड़ है और जिन्हें ये दावत दी जा रही है कि बर्रा की शादी में शरीक हूँ और वहाँ पर महीन कतानी जिससे मुराद सफ़ेद लिबास जो है हम देखते हैं तो आगे चल कर उसकी साथ तस्वीर भी की गई है कि यहाँ इस लिबास से मुराद रास बास लोगों के काम मुराद हैं तो आ, असल में यहाँ पर यसुम सी जिस पोशाक को ऑफ़र कर रहे हैं लुदीक के, के कलों को उसकी पेशकश कर रहे हैं वो है राष्ट्रबाजी का लिबास जो कि ईमाल से रुपए पैसे से मालो से नहीं ख़रीदा जा सकता दान दौलत से नहीं ख़रीदा जा सकता और हमने बड़ी तफसील के साथ देखा लाजर और अमीर की कहानी में कि अमीर आदमी अगरचे बहुत दौलतमंद है लेकिन अगली दुनिया में वो अंधा भी है नंगा भी है और रूहानी एतबार से हर तरह से महरूम है क्योंकि उसके पास दुनी दौलत तो है लेकिन आसमानी दौलत नहीं और रासबाजी का लिबास नहीं है जबकि लादर के पास रासबाजी का लिबास था इसलिए जब वो अगली दुनिया में मुंतकिल होता है तो वो नंगा नहीं पाया जाता तो जिस लिबास का यहाँ पे यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं वो रास्तबाजी का खिलत है अगर हम रूमियों के ख़त का मतलब करें तो उसका जो मरकज़ी मजमून है वो ईमान के ज़रिए से रास्तबाज़ी हासिल करना है और फिर खतूत के अंदर पालूस मुसलसल इसी बात पर बहस करता है कि हम रास्तबाजी खरीद नहीं सकते ये खुदा की तरफ से एक अनायत है एक तोहफा है खुदा की पेशकश है खुदा की मोहब्बत है और जिन लोगों ने इसे कमाने की कोशिश की वो नाकाम हो गए यसु मसीह ने यहूदियों को ये पेशकश की कि वो ईमान से रास्तबाजी का लिबास पहने लेकिन वो ईमाल के जरिए से रास्तबाजी कमाने की कोशिश करते थे और यसु मसीह ने उनकी रास्तबाजी को कबरों के साथ तशबी दी और कहा कि ऐसे या जैसे सफ़ेदी फिरी हुई कबरें होती हैं इंसान खुद से ये लिबास जो है ना खरीद सकता है ना हासिल कर सकता है ये खुदा यसु सुमसी की तरफ से मिलता है और लदेकिया के कलिसिया को दोनों तरफ़ से ऑफर की जा रही है एक तो ये कि अगर वो दोन समझते हैं कि दुनिया मालो हासिल करने से वो ये लिबास पहन सकते हैं हासिल कर सकते हैं तो ये उनकी ग़लती है और कभी कभी धन और दौलत के साथ इंसान में ये तकबर भी समा जाता है कि वो रूहानी अतबार से भी दूसरों से जो है वो बढ़तर है तो यसु मसीह उन्हें बताना चाहते हैं कि तुम ईमाल के ज़रिए से हरगज़ ये रासबाजी का लिबास हासिल नहीं कर सकते ये सफ़ेद लिबास मेरी तरफ से अनायत होता है तो हम देखेंगे खुदा के मुकदस कला में से हज़ारों साल पहले ये साया ने बड़ी खुशी के साथ इस लिबास का तजकर किया जो कि निजात और रासबाजी का लिबास है यह सासठ बाप उसकी दसवीं आयत मुकदस्सा हम पढ़ेंगे ये बाब नंबर इकसठ आयत नंबर दस में आपके लिए पढूंगा और इस जगह पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये साया जो है इस लिबास का ज़िक्र करता है लिखा है मैं खुदावन से बहुत शादमान हूँगा मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए उसने राशतबाजी के क्लत से मुझे मुलबस किया जैसे दुल्हा सेहरे से अपने आप को आरासा करता है दुल्हन अपने जेवरों से अपना सिंगार करती है तो यहाँ पर नबी बड़ी खुशी और बड़ी शादबानी का इजहार करता है और वो ये नहीं कहता कि मैंने कमाया है वो ये नहीं कहता कि मैंने बना लिया है वो कहता कि खुदा ने मुझे नजात के कपड़े पहनाए हैं खुदा ने मुझे रासबाजी का खिलत पहनाया है तो खुदा युसम सी लुदेके के, के कलसिया को जिस सफ़ेद लिबास की ऑफर कर रहे हैं ये ईमान से लिबास हासिल होता है और अगर कोई इंसान ये तसवर करे कि मैं अपने इमाल हसना से इसे हासिल कर पाऊँगा तो ये उसकी गलत फहमी है और खुदा में यसुमसी ने अपनी ज़मीनी खदमात में ही ये बात जो है यह पर कर दी कि खुदा की रासबाजी ईमान से हासिल होती है फिर रसूल अपने खतूत में इस बात पर बहस करते रहे और बताते रहे कि यह रासबाजी का सफ़ेद लिबास ईमान से असल होता है तो नाज़रीन हम इसी आयत मकदसा के अगले हिस्से पर गौर करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है और आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए यानी अब तक हम देख रहे हैं कि सुमसी ने एक अमीर कबीर और दौलतमंद कलसिया को आ, मादी चीज़ों के मुकाबले में आसमानी और रूहानी चीज़ों की जो है वो पेशकश की है मालूम होता है कि एलोदिक के कलिसिया की तारीख जब हम पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि यहाँ पर चूँकि बहुत सारा बिजनेस था कारोबार था जिससे इनको भी मादी जो है वो फ़ायदे पहुँच रहे थे जिससे ये कलिसिया मतकबर हो गई और दुनियावी चीज़ों को जो है इन्होंने अपना मरकज़ बना लिया तो ये ससी इन्हें हर मादी चीज़ के मुकाबले में आसमानी और रूहानी चीज़ जो है ऑफ़र कर रहे हैं जैसे पहले हमने देखा सोना और फिर हमने देखा कि यह सुमसी उन्हें सफ़ेद की ऑफ़र करते हैं पेशकश करते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनमें उन्हें, उन्हें सुरमा जो है वो आ, ये ससी पेशकश कर रहे हैं कि ये तो आँखों में लगा ले इसको लगाने से बीना हो जाएगा सफाई के साथ जो है तू देख सकेगा तो हम इस आयत को पढ़ते हैं लिखा है और आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए तो दादरीन आपको याद होगा कि जब हमने इस कलसिया की तारीख के तालुक से पढ़ा था तो हमने जाना था कि इस जगह पर बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज था जहाँ पे अद्वियात बनती थी और इस जगह के जो हुक्मा थे हकीम थे उन्होंने आँखों में लगाने के लिए सुरमा जो है वो तैयार किया जिससे आँखों की बहनाई बहुत बेहतर होती थी ये एक केक नमा होता था जिसे कैलोरियन यूनानी ज़ुबान में कहा जाता था ये आँखों में जब लगाया जाता तो उस ज़माने में इससे शिफा हासिल होती थी और यूँ तबी अतबार से ये बहुत ही मुफीद और कारगर किस्म का सुरमा था जो बड़ा मशहूर था और दीगर दुनियाओं में भी उसको सराहा जाता था तो ख़ा यी लदीक के कलसिया को ये बताते हैं कि वो सुरमा जो आँखों में लगाया जाता है वो सफूफ वो पाउडर जिससे आँखों की बहनाई ठीक हो जाती है इससे सिर्फ़ इंसान की मादी आँखें उदुरुस्त होती हैं इससे रूहानी आँखें नहीं खुलती लेकिन मैं तुझे जो मैं तुझे सुरमा देने वाला हूँ जो मेरी तरफ़ से तुझे आ, ये शफाया एक जुज मिलने वाला है ये इंसान की रूहानी आंखें खोल देता है और उसको तमाम आसमानी रूहानी बातों का इलम जो है वो हासिल होता है और इससे मुराद हम ले सकते हैं कि शुरम से मुराद यहाँ पर खुदा का कलाम है और खसूस अनजीले जलील जो है ये इंसान को रूहानी बनाई अता करती है इंसान रूहानी अतबार से देखने के काबुल हो जाता है जिससे उसको खुदा की बख्श खुदा की अनायात खुदा के तहफ मुफ्त निजात सलीब मसी का किरदार मसी की खूबसूरती और मसी की अज़मत और शान के बारे में पता चलता है और ये सुरमा जैसे मैंने बताया खुदा का कलाम है हज़ारों साल पहले ज़बूर नवीस खुदा के कलाम के बारे में बयान करता है ज़बूर नंबर उन्नीस और उसकी आठवीं आयत मुकसम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सुरमे से मुराद यहाँ पे खुदा का कलाम है ज़बूर नंबर उन्नीस और उसकी आठवीं आयत मुकसम मैं आपके लिए तलावत करूँगा तो हम इस पे गौर करते हैं और देखते हैं कि जिस सुरमे का यसुमसी ने जिक्र किया है वो हकीकता खुदा का कलाम है खुदा के मुक़दस क़लाम में से ज़बूर नंबर 19 और उसकी आठवीं आयत मुक़दसा मैं आपके लिए पढ़ूँगा लिखा है खुदावन के कारीन रास्त हैं वो दिल को फरहत पहुँचाते हैं खुदावन का हुक्म बेब है वो आँखों को रोशन करता है तो इन अल्फाज पे हम गौर करेंगे खुदावन का हुक्म बेऐब है वो आँखों को रोशन करता है तो जाहिर है कि यहाँ पर आँखों को रोशन करने से मुराद कोई जिस्म की बात नहीं हो रही बल्कि रूह की बात हो रही है जब तक खुदा का कलाम इंसान की ज़िंदगी में नहीं आता उसे खोटे और खरे का पता नहीं चलता आसमानी सच्चाइयों के बारे में पता नहीं चलता खुदा की शख्सियत के बारे में पता नहीं चलता हत वो अपने आप को कभी गुनहगार भी नहीं समझता इंसान जब तक अंधेरे में फिर रहा होता है लेकिन जब किसी पर खुदा का कलाम मुनकशिफ होता है खुदा का कलाम किसी की ज़िंदगी में आता है तो उसे अपनी भी पहचान होती है अपने हमसाए की पहचान होती है और हक और सच को इंसान जानना शुरू कर देता है सो so, इंसान की आंखें यानी रूहानी आंखें खुल जाती है तब वो चिल्ला उठता है कि मैं नापाक हूँ मैं गुनहगार हूँ मुझे तोबा की ज़रूरत है मुझे बचने की ज़रूरत है मुझे छुटकारे की ज़रूरत है तब वो खुदा के कलाम की तरफ रजू करता है खुदा के कलाम की तरफ वो जो है आ, मुड़ जाता है देखता है तो फिर उसे आसमानी बातों के बारे में पता चलता है और जब तक किसी ज़िंदगी में खुदा का कलाम नहीं आता किसी घर में खुदा का कलाम नहीं आता किसी मोहल्ले में खुदा का कलाम नहीं आता किसी शहर में खुदा का कलाम नहीं आता किसी मुल्क में खुदा का कलाम नहीं आता वहाँ पे अंधेरा होता है तारीख़ी होती है और इंसान की आँखें बंद होती है वो कभी भी इन सच्चाइयों को नहीं जान सकता वो एक गुनाह आलूदा ज़िंदगी बश्र करता है और गुनाहों के साथ जीता है और गुनाह आलूदा चीज़ों के साथ ज़िंदगी गुजारता है उसे इन बातों के बारे में कोई पता नहीं होता लेकिन जब ही उसकी ज़िंदगी के अंदर खुदा का कलाम उतर आता है तो उसकी आँखें रोशन हो जाती हैं और वह सच्चाइयों के बारे में जानना शुरू कर देता है वो आँखें जो मादी और दुनियावी चीज़ों ने बंद की होती हैं और वो अंधा हो गया होता है उसे दिखाई नहीं देता कि मुझे क्या करना है किधर को जाना है क्या खाना है क्या पीना है क्या हलाल है क्या हराम है क्या सच है क्या झूठ है वो अंधों की तरह फिरता है लेकिन जब ये खुदा का कलाम उसके पास आता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं पालो रसूल ने भी इसका तस्कर किया कि ये खुदा का कलाम ही जो है वो हमारी आंखें खोलता है हमारी बेनाई दुरुस्त करता है खुदा के मुक़दस कलाम में से इफ्सियो के नाम खत उसका पहला बाब और उसकी अठारहवीं आयत मुकसम पढ़ेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि पालूस रसूल जो है हमें बताते हैं कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ जो है ये इसका फंक्शन है और किस तरह इससे हमारा दिल हमारी रूहानी आंखें खुल जाती हैं कलाम मुकदस में से इफ्सियो के नाम खा तो उसका पहला बाप उसकी अठारवी आयत मुकदसा मैं लिए पढ़ूँगा लिखा है और तुम हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मराज के जलाल की दौलत मुकदसों में कैसी कुछ है सो so, यहाँ पे लिखा है और तुम्हारे दिल की आँखें आ, रोशन हो जाएं तो इससे मुराद यह है ये है कि यसु मसीह जिस सुरमे की बात यहाँ पे कर रहे हैं वो उसका कलाम है तो ज़ाहिर है कि लधिका के, के कलिसिया ने कभी खुदा का क़लाम सुना कभी वो खुदा के पीछे चलते थे खुदा की पैरवी करते थे ताहम जुमाने के साथ साथ वो रंग बदलते गए और मालूम होता है कि उनकी आँखें जो हैं अब उनकी बैनाई जो है अब इतनी तेज़ नहीं रही रूहानी अतबार से उनकी बैनाई कमज़ोर हो गई है जहन कुंद हो गया है दिल ठंडा पड़ गया है खुदा के कामों को और आसमानी दौलत से वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं और आसमानी दौलत को जानने के लिए रूहानी आँखों का खुलना और रूहानी बैनाई का होना बेहद ज़रूरी है और जब इंसान की रूहानी आंखें धुंधला जाती हैं तो उसे आसमानों में कोई खुशी नज़र नहीं आती तो पलूस रसल फरमाते हैं कि कलाम मुकदस से बाइबल मुकदस खुदा का कलाम जो इंसान के दिल की आंखों को रोशन करता है उससे ही इंसान आसमानी सच्चाइयों और हकीकतों को जान पाता है और शादाबी और ख़ुशी से वाकफित हासिल करता है तो नाजरीन ये कलिसिया को जो मशवरा दिया गया हर रात हर ईमानदार के लिए है शुरू शुरू में लोग खुदा के कलाम पर ईमान लेते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जहान के हम शक्ल बनकर इन अमामी और आसमानी सच्चाइयों से दूर चले जाते हैं जिस तरह लुद्ख्या के कलशिया के साथ हुआ और यीशु मसीह उन्हें पेशकश कर रहे हैं कि वो मुझसे सुरमा ले लें जो हर ईमानदार के लिए मशवरा है आइए अगर कहीं मेरी रूहानी जिंदगी में हमारी रूहानी आंखें धुंधला चुकी हैं तो फिर से हमें खुदा के कलाम को पढ़ने सुनने और उस पर गौर व करने की ज़रूरत है खुदा इस कलाम के सबब से आप सबको बड़ी बरकत दे आमीन